Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. दिल्ली हाई कोर्ट ने नजीब केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है और अब शायद ये केस बंद हो जाएगा, पर नजीब का अभी तक कोई पता नहीं। ये वही हॉस्टल है माही मंडवी जहां नजीब 106 नंबर कमरे में रहते थे और अब यहां पर ताला लटका पड़ा है। देखिए, अभी हम इस मसले पर जो है कई सारे वकीलों से कंसल्ट कर रहे हैं, हमारे वकील भी हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे, देखें, निचली अदालत में कहा है हमें हाई कोर्ट ने कि आप निचली अदालत में जाइए, वहाँ से प्रोटेस्ट केस फाइल कर सकते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि सीबीआई ने सरेंडर किया, और सरेंडर इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पास कोई हकीकतें नहीं है, सबूत नहीं है। सब सबूत है सीबीआई के पास, लेकिन क्योंकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है और ये प्राइम अक्यूज्ड लोग जो है नजीब के डिसअपीयरेंस में, ये प्राइम अक्यूज्ड लोग जो है सारे एबीवीपी के लोग हैं। 16 मई 2017 को सीबीआई ने ये केस अपने हाथ में ले लिया था और अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहा कि मिसिंग स्टूडेंट के खिलाफ कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, पर जिन आई विटनेस से हमने बात की उनका कुछ और कहना है। जिस फ्लोर पर नजीब रह रहे थे उसके सेकंड फ्लोर पे मैं कंप्लेन कर रहा था और अचानक से मारपीट की, लड़ाई की आवाज़ आई। तो जब हम नीचे पहुँचे फर्स्ट फ्लोर पे, कुछ लोग और भी थे मेरे साथ जैसे कि शाद, तो वहाँ हमने देखा कि नजीब हैं और दो तीन लोग और हैं, वो लड़ रहे हैं आपस में, जिनमें से मैं पहचानता था विक्रांत को, अंकित को, इन लोगों को मैं पहचानता था, नजीब को मैं नहीं जानता था। तो मैंने देखा नजीब के नाक से खून गिर रहा था और वो अपना हाथ इस तरह से सर से पकड़ रहा था नजीब। तो मैंने बोला यार इसको तो खून गिर रहा है, लग रहा है तुम लोगों ने मारा है। तो ये बातें हो रही थी और इतने में और भी लोग 15-20 लोग उधर से गाली देते हुए और नारेबाजी करते हुए आ गए। अजीब बात है कि जो मर्डर केस है, एक्चुअली नजीब का केस है मर्डर केस, सिर्फ किडनैपिंग एंड मर्डर, इतना इम्पोर्टेंट केस में अक्यूज्ड को कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया। कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि उन लड़कों में से किसी का भी नाम एफआईआर में मौजूद नहीं था, पर इस पर नजीब की मां का कहना है कि उन्हें उनके नाम लिखने ही नहीं दिए गए। मेरे बेटे के जो मुजरिम थे, जिन्होंने उसे मारा पीटा था, उसके रूम में घुस के उसके साथ ज्यादती की थी, बहुत बुरी तरह उसको मारा था, उस पर हमला किया था, उनके नाम नहीं लिखने दिए। मुझे मजबूर किया गया कि अगर आप नाम लिखेंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते, अगर आप नाम नहीं लिखेंगे, मिसिंग लिखाएंगे तो 24 घंटे में आपका बेटा हम आपको लौटा देंगे, हम गारंटी लेते हैं। और उसके बाद कई बार मैंने कोशिश की, मेरे बेटा जो मुजीब था उसने कोशिश की कि नाम लिखने दें, अम्मी प्लीज़ अम्मी नजीब भाई के साथ जो हुआ उन्होंने जो बताया वो लिखने दिया जाए। तो उसने कहा जो मैं कहता हूँ वो करो, वरना फिर आपको जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार नहीं हैं आपके बेटे के, और नहीं लिखोगे आप नाम उन लड़कों के तो मैं आपको बेटा आपको 24 घंटे में दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे किसी कोर्ट कचहरी तो करना नहीं था, मुझे बेटा चाहिए था। मैंने कहा नाम मत लिखो, बस उस चीज़ का उनने मुझसे फ़ायदा उठाया, मुझे वहीं से उन लोगों ने, मेरे एफआईआर में नाम ना होने से सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि आज तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, और इस सब चीज़ों का जिम्मेदार जो है वो बसंत कुंज थाने का आईओ है और वहाँ के एसएचओ हैं गगन और आईओ संदीप कुमार। जिन लोगों ने नजीब को मारा था उस रात, उनमें से मोस्टली लोग अभी भी कैंपस में हैं, शायद एक दो हैं जो कैंपस छोड़ के चले गए हैं क्योंकि वो शायद उस वक्त भी स्टूडेंट नहीं थे। इस साल 15 अक्टूबर को नजीब केस के 2 साल पूरे हो जाएंगे और उनकी मां का कहना है कि वो लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ेंगी, नजीब की खोज नहीं छोड़ेंगी। आज वो वक्त आ गया है जब मैं 2 साल के बाद एक इंसाफ मैं यहाँ मार्च करने वाली हूँ मंडी हाउस पे। अब मैंने एक अपील डालने वाली हूँ उन लोगों से कि जो लोग वाकई में लोकतंत्र की कहते हैं हमारा देश में लोकतंत्र है, तो एक हिंदू मुसलमान ना करके एक माँ के साथ आ जाएं, किसी भी पार्टी के हो। अब जब आप लोगों ने पॉलिटिक्स बनाए दिए तो पॉलिटिक्स ही कर ली जाए, क्योंकि मैं तो जानती नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, आज भी और कल भी ढूंढ रही थी, पिछले 2 साल पहले भी ढूंढ रही थी, मुझे नहीं लेना देना किसी पॉलिटिक्स से, ना मैं किसी के साथ थी ना साथ हूँ।